हेलो दोस्तों, एलवी क्लासेस की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, चैप्टर नंबर जो 3 था उसकी थ्योरी समाप्त हो गई है। तो आज इस लेक्चर में जो है आपको उस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व कराए जाएंगे। और यहाँ पर जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व कराए जा रहे हैं ये एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं, यानी कि एनसीईआरटी बुक के न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व कराए जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 3.1, इसमें दिया गया है कि किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या है। यहाँ पर आपको धारा का मान बताना है और विद्युत वाहक बल दिया गया है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आप बता सकते हैं, इसमें दिया है, आपको दिया गया है इसमें विद्युत वाहक बल, इसका मान दिया गया है 12 वोल्ट। ये हो जाएगा विद्युत वाहक बल। इसके अलावा इसमें आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है 0.4 ओम, ये हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोध। और इसमें धारा का अधिकतम मान ज्ञात करना है आपको, आई मैक्सिमम ये ज्ञात करना है। तो पहले ध्यान दीजिए, सूत्र धारा के लिए, तो धारा के लिए सूत्र होता है आई बराबर ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। यहाँ पर जो कैपिटल आर दिया गया है इससे हम लोग बोलते हैं बाह्य प्रतिरोध, और जो स्मॉल आर है ये आंतरिक प्रतिरोध है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर धारा जो है ये अधिकतम तब होगी, यानी कि धारा का मान ज़्यादा तब होगा जब यहाँ पर ये जो बटे वाली संख्या है इसका मान कम हो जाए। तो यहाँ पर कम कैसे होगा, तो ध्यान दीजिए आप इसमें बताएंगे, अधिकतम धारा के लिए आर इज इक्वल टू जीरो, यानी कि धारा के अधिकतम मान के लिए यहाँ पर जो बाह्य प्रतिरोध है इसे आपको कितना मान लेना है, शून्य, यानी कि बाह्य प्रतिरोध जो है यहाँ पर शून्य हो गया। अगर बाह्य प्रतिरोध शून्य हो गया तो धारा का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ पर आएगा ई और बट्टे में हो जाएगा स्मॉल आर, क्योंकि कैपिटल आर का मान जो है कितना हो गया, शून्य। तो अधिकतम धारा के लिए बाह्य प्रतिरोध जो होगा उसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर शून्य मान लेना है। तो अब ध्यान दीजिए, आई मैक्सिमम बराबर इसका मान आपको दिया गया है 12 बटे, इसका भी मान दिया गया है आपको 0.4। तो अब ध्यान दीजिए, 12, अगर यहाँ पर ये दशमलव काट दें तो ये दशमलव काटने पर ऊपर एक जीरो और बढ़ जाएगा और बट्टे में आ जाएगा 4। अब अगर इसको 4 से हम लोग भाग करेंगे तो ध्यान दीजिए, 4 3 12, इसके बाद 0, धारा ज्ञात कर रहे थे, इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर। तो ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया गया है कि 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है। जब परिपथ बंद है तो शेल की टर्मिनल उल्टता क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, विद्युत वाहक बल आपको दिया गया है, यानी कि ई, इसका मान दिया गया है 10 वोल्ट, ये हो जाएगा 10 वोल्ट। इसके अलावा इसमें ध्यान दीजिए, आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है यानी कि स्मॉल आर, इसका मान आपको दिया गया है यहाँ पर 3 ओम। इसके बाद इसमें ध्यान दीजिए, यदि परिपथ में धारा का मान दिया गया है 0.5 एम्पियर, तो यहाँ पर आपको प्रतिरोधक का प्रतिरोध, इसको हम लोग मान लेते हैं कैपिटल आर, इसका मान आपको ज्ञात करना है। इसके अलावा इसमें लिखा है शेल की टर्मिनल उल्टता, इसे हम लोग मान लेते हैं वी से। तो ये यहाँ पर जो है प्रतिरोध और ये यहाँ पर टर्मिनल उल्टा है, इन दोनों के मान आपको ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आप सूत्र यहाँ पर प्रयोग करेंगे, आई बराबर ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब इसमें आप मान रखिए, आई का मान आपको दिया गया है 0.5, ई का मान भी दिया गया है 10, बट्टे में कैपिटल आर आपको ज्ञात करना है और आंतरिक प्रतिरोध का मान दिया गया है 3, इतना हुआ। इसका हम लोग इधर गुणा करेंगे, तो ध्यान दीजिए, जब इससे इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 आर, इसके बाद प्लस, जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 5 15, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 10। इसके बाद 0.5 आर बराबर 10, ये दूसरी तरफ जाएगा तो -1.5 हो जाएगा। इसके बाद 0.5 आर बराबर 10 से इसको हम लोग घटाएंगे, तो जब 10 से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 8.5। इस प्रकार से जब यहाँ से हम लोग R का मान ज्ञात करेंगे तो 8.5
और बटे में आ जाएगा 0.5, दशमलव से दशमलव कट जाएगा यहाँ पर 85, और बटे में आ जाएगा 5। 5 से अगर हम लोग इसको भाग करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा 5 एकम 5, 3 बचेगा 35 हो जाएगा, 5 7 35 यानी कि R बराबर आ गया 17 ओम। तो ये आ गया प्रतिरोधक का प्रतिरोध। एक आंसर आपका ये हो गया। इसके अलावा आपको इसमें ज्ञात करना है टर्मिनल उल्टता। इसके लिए सूत्र होता है V बराबर आई आर। तो V बराबर I का मान आपको दिया गया है 0.5, R का मान ज्ञात किया गया है 17। तो V बराबर गुणा करेंगे तो 17 25 85, एक अंक पर दशमलव लग जाएगा वोल्ट। तो ये यहाँ पर इसका दूसरा आंसर हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दो भाग दिए गए हैं। पहला ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है कि 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। प्रतिरोधकों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है? तो ध्यान दीजिए 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। पहला हम लोग मान लेते हैं R1, इसका मान आपको दिया गया है 1 ओम। इसके बाद R2, इसका मान हो जाएगा 2 ओम, और R3, इसका मान दिया गया है 3 ओम। इन्हें जो है यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम के लिए सूत्र आपको बताया गया है R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R बराबर इसमें जब मान रखा जाएगा तो 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी कि R बराबर हो जाएगा 3 2 5 1 6 ओम। तो ये यहाँ पर जो है कुल प्रतिरोध आ जाएगा, इसका आंसर हुआ। इसके अलावा इसका सेकंड नंबर जो दिया गया है, इसमें ध्यान दीजिए, यदि प्रतिरोधकों का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी से जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से संबद्ध है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता पात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बैटरी का जो वोल्टेज दिया गया है यहाँ पर आपको वो दिया गया है 12 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध पहले ही बता दिया गया यहाँ पर नगण्य है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर उल्टता ज्ञात करनी है। तो प्रत्येक प्रतिरोधक यानी कि ध्यान दीजिए R1 R2 R3 सभी के सिरों पर आपको उल्टता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए R1 के सिरों पर उल्टता, इसके लिए आप सूत्र प्रयोग करेंगे V1 बराबर I R1, क्योंकि श्रेणी क्रम में जो धारा होती है वो समान होती है सभी में, इसलिए यहाँ पर I का मान जो होगा वो सब में समान होगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो धारा है इसका मान अभी आपको नहीं दिया गया, तो धारा ज्ञात करने के लिए पहले आप सूत्र यूज करेंगे I बराबर V बटे R। V का मान आपको दिया गया है 12, R का मान आपने ज्ञात किया है 6 6 दूनी 12 यानी कि 2 एम्पियर। तो I का मान कितना आ गया 2 एम्पियर, और श्रेणी क्रम में जो है सभी प्रतिरोधकों में धारा का मान जो होता है वो समान होता है। तो अब ध्यान दीजिए ये आएगा फिर यहाँ पर V1 बराबर I का मान हो जाएगा 2 गुणे, R1 का मान दिया गया था 1, यानी कि यहाँ पर होगा V1 बराबर 2 एकम 2 वोल्ट। तो ये इतना आ गया R1 के सिरों पर उल्टापात। इसी प्रकार आपको ज्ञात करना है R2 के सिरों पर, तो R2 के सिरों पर तो इसे हम लोग मान लेते हैं V2 से, ये हो जाएगा I R2, इसमें मान रखेंगे तो I का मान 2, R2 का मान ये दिया गया है बराबर हो जाएगा 4 वोल्ट। ये यहाँ पर इसका आंसर होगा। इसी प्रकार आप ज्ञात करेंगे R3 के सिरों पर उल्टा, तो ये हो जाएगा V3 बराबर I R3, I का मान 2, R3 का मान 3, बराबर हो जाएगा 6 वोल्ट। तो इस प्रकार से जो हम लोग सभी प्रतिरोधकों के सिरों पर उल्टापात ज्ञात करेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी दो भाग दिए गए हैं। तो पहला ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है कि 2 ओम 4 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधक पार्श्व में संयोजित हैं, संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो अब ध्यान दीजिए प्रतिरोध दिए गए हैं। पहला दिया गया है R1, इसका मान दिया गया है 2 ओम, इसके बाद R2, इसका मान दिया गया है 4 ओम, और R3, इसका मान 5 ओम के 3 प्रतिरोध जो है पार्श्वक्रम, पार्श्वक्रम का मतलब होता है समांतर क्रम। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। इसके लिए सूत्र प्रयोग करेंगे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 अपान
आर थ्री, तो 1/r बराबर इसमें मान रखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2, 4 और यहाँ पर हो जाएगा 5। यानी कि अगर इन सभी का हम लोग लाशा लेंगे तो ध्यान दीजिए 4 × 2 = 8, 5 = 40, लाशा आ गया 40। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 दिया गया है इसके बटे में, तो 2 छोड़ करके इन दोनों से गुणा करेंगे ऊपर, तो 4 × 5 = 20 का गुणा एक में कर दीजिए, 20 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पर दिया गया है 4, तो इस 4 को छोड़ करके इन दोनों से गुणा कर दीजिए, यानी कि 5 × 2 = 10, 10 से यहाँ पर गुणा करेंगे ये आ जाएगा। यहाँ पर 5 दिया गया, 5 छोड़ करके इन दोनों से गुणा कर दीजिए, तो 4 × 2 = 8, ये इतना हुआ। यानी कि 1/r बराबर इसको जोड़िए तो 20 × 10 = 30 और 8 = 38/40, इतना हुआ। अगर इसको हम लोग 2 से कैंसिल करें तो ध्यान दीजिए 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, इसको काटेंगे तो ये आएगा 20। 1/r का मान है 19/20, यानी कि जब यहाँ से हम लोग r ज्ञात करेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी कि 20/19 ओम, तो ये आ गया यहाँ पर प्रतिरोध, ये पहला आंसर हुआ। इसके बाद ध्यान दीजिए इसी का सेकंड नंबर, इसमें आपको दिया गया कि यदि संयोजन को 20 वोल्ट के विद्युत वाहक बल की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से संबद्ध किया जाता है, तो प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा तथा बैटरी से ली गई कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो दिया गया है आपको 20 वोल्ट, इतना हो गया, और यहाँ पर जो है आपको प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके अलावा कुल धारा ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर याद रखिएगा समांतर क्रम में जो वोल्टेज होता है वो समान होता है, लेकिन धारा का मान जो होता है वो सभी में अलग अलग होता है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर R1 में प्रवाहित धारा इसको हम लोग मान लेते हैं I1 बराबर यहाँ पर हो जाएगा V/R1, तो V का मान यही रहेगा यानी कि 20, R1 का मान आपको दिया गया है 2, इससे आप भाग करेंगे तो 2 × 20 यानी कि 10 एम्पियर, तो I1 का मान आ गया 10 एम्पियर इस प्रकार से। इसी प्रकार आप R2 में प्रवाहित धारा ज्ञात करेंगे, इसको हम लोग मान लेते हैं I2, ये हो जाएगा V/R2, V का मान वही रहेगा यानी कि 20, R2 का मान यहाँ से रखना है आपको 4, 4 से भाग करेंगे तो 4 × 5 = 20 यानी कि I2 का मान आ जाएगा 5 एम्पियर, ये इस प्रकार से इतना हुआ। इसी प्रकार ध्यान दीजिए R3 में प्रवाहित धारा ज्ञात करेंगे, तो इसमें हो जाएगा I3 बराबर V/R3, इसका मान 20/R3 का मान हो जाएगा 5। इसके बाद ध्यान दीजिए I3 बराबर 5 × 20, ये आ जाएगी 4 एम्पियर, इतना हो गया। तो ये तो तीनों धाराओं के अलग अलग मान हो गए। इसके बाद आपको ज्ञात करनी है कुल धारा, तो कुल धारा बराबर I1 + I2 + I3, तो अब ध्यान दीजिए यानी कि यहाँ पर 10 + 5 + 4 बराबर 10 × 5 = 15 = 4 = 19 एम्पियर, तो ये यहाँ पर जो है कुल धारा हो जाएगी। ये आप लोग याद रखिएगा कि समांतर क्रम में जो है वोल्टेज समान होता है, लेकिन धारा का मान जो है सभी प्रतिरोधों में अलग अलग होता है। इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया गया है कि कमरे के ताप, आगे ब्रैकेट में दिया गया 27 °C पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है, यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा। प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप गुणांक जो है यहाँ पर 1.70 × 10⁻⁴ °C प्रति सेल्सियस बोल सकते हैं, सेल्सियस इन्वर्स बोल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले यहाँ पर जो ताप दिया गया है 27 °C पर जो है प्रतिरोध, तो 27 °C पर प्रतिरोध दिया गया है, इसे हम लोग लिखेंगे R27। इसका मान आपको यहाँ पर दिया गया है 100 ओम, इतना हो गया। इसके बाद ध्यान दीजिए ये तो हो गया 27 °C पर प्रतिरोध। इसके बाद ध्यान दीजिए दूसरा जो प्रतिरोध दिया गया है उसका ताप नहीं पता है, यानी कि RT मान लेते हैं हम लोग, और इसका प्रतिरोध दिया गया है 117 ओम, क्योंकि इसमें बताया गया है यहाँ पर कि प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा, यानी कि ये ताप आपको बताना है, T का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है कि इस ताप पर जो है 117 है तो ये ताप कितना है, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसके अलावा अल्फा यानी कि ताप गुणांक आपको दिया गया है 1.70 × 10⁻⁴ °C, इतना आपको यहाँ पर
दिया गया है। तो इसके लिए सूत्र ध्यान दीजिए, सूत्र होता है अल्फा बराबर आर टी माइनस आर 27 बटे में यहाँ पर हो जाएगा आर 27। इसके बाद यहाँ पर सूत्र प्रयोग करेंगे टी माइनस 27, इसका प्रयोग करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग मान रखेंगे तो अल्फा का मान आपको ये दिया गया है 1.70 गुणे 10^-4 बराबर यहाँ पर आर टी, ध्यान दीजिए इसका मान दिया गया है 117, आर 27 इसका मान दिया गया है 100 बटे इसका मान दिया गया है 100, यहाँ पर टी माइनस 27 इतना हुआ। ध्यान दीजिए इसका हम लोग गुणा इधर करेंगे और ये वाली संख्या बट्टे में लाएंगे, तो ध्यान दीजिए जब ये इधर आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा टी माइनस 27 बराबर, इसको घटा दीजिए ये आएगा 17 बट्टे में हो जाएगा 100 गुड़े, ये पूरा इधर बट्टे में लाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.70 गुड़े 10^-4 इतना हुआ। यानी कि ये हो जाएगा टी माइनस 27 बराबर 17 बट्टे, ध्यान दीजिए 100 का गुणा जब इसमें करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 170। अभी 1.70 था, 0.2 अंक आगे चला जाएगा जब 100 से गुणा करेंगे, और गुणे में हो जाएगा 10^-4। इस प्रकार से 17 से इसको कैंसिल करिए तो 17^-170, तो ये आ जाएगा टी माइनस 27 बराबर 1 बट्टे, ध्यान दीजिए ये 10 और ये 10^-4, तो यहाँ पर 10^1 है, तो 10^-4 से 10^1 जब घटेगा तो यहाँ पर बचेगा 10^-3, यानी कि टी माइनस 27 बराबर जब इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो 10^+3, यानी कि टी माइनस 27 बराबर 10^3 का मतलब ये हो जाएगा 1000, यानी कि टी बराबर 1000 प्लस ये उधर जाएगा तो प्लस में हो गया 27, यानी कि टी बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1027 डिग्री सेल्सियस, तो ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया गया कि 15 मीटर लंबे एवं 6×10^-7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार से उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई और इसका प्रतिरोध जो है 5 ओम मापा गया, प्रायोगिक तार पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए लंबाई दी गई है, यानी कि एल बराबर आपको दिया गया है 15 मीटर। इसके अलावा इसमें ध्यान दीजिए क्षेत्रफल दिया गया है ए बराबर 6.0×10^-7 मीटर स्क्वायर इतना दिया गया है। इसके अलावा इसका प्रतिरोध दिया गया है आर बराबर 5.0 ओम, और इसमें आपको यहाँ पर ज्ञात करना है पदार्थ की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता यानी कि रो जिसे हम लोग बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, इसका मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए जो प्रतिरोध का सूत्र होता है वो होता है R बराबर रो L बाई A इतना होता है। तो अगर यहाँ से हम लोग प्रतिरोधकता ज्ञात करें यानी कि रो ये सूत्र होता है, अगर यहाँ से हम लोग रो ज्ञात करेंगे तो ये संख्या पलट के इधर आएगी, यानी कि R इंटू A बाई L, A इधर गुड़े में आ जाएगा L बट्टे में आ जाएगा। अब अगर इसमें हम लोग मान रख दें तो R का मान 5, A का मान 6, ध्यान दीजिए 5.0 का मतलब 5 लिख सकते हैं, 6.0 का मतलब 6 लिख सकते हैं, × 10^-7 बट्टे एल, एल का मान हो जाएगा 15, तो ध्यान दीजिए 5 × 3 = 15, 3 से इसको करेंगे तो 3×2 = 6, यानी कि यहाँ पर आया 2×10^-7, यहाँ पर प्रतिरोधकता ज्ञात कर रहे थे, इसका मात्रक होता है ओम मीटर, तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो बाकी के क्वेश्चन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।